दोस्तों माहौल के गर्मा गर्मी को देखते हुए हमने सोचा कि इसका निष्कर्ष निकाला जाए, इसका निचोड़ निकाला जाए कि वाकई में जो खेसारी लाल यादव को बेस्ट सिंगर का जो अवार्ड मिला है वो क्या उसके हकदार है, और वॉइस ऑफ द ईयर पवन सिंह को जो मिला है अवार्ड क्या उसके वो हकदार है, इसका निचोड़ हमने निकाला, इस पर रिसर्च किया। तो वाकई में जो है रिजल्ट वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ऐसे ही किसी को कुछ भी दे देते हैं क्या, इसी का निष्कर्ष इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि सभी लोगों को पता लग सके भैया वो भोजपुरी के कौन से स्टार हैं जिन्होंने वाकई में सच में उस वार्ड के हकदार हैं। देखिए, हमने जब रिसर्च चालू किया तो हमें यह रिजल्ट सामने आया कि भोजपुरी के इकलौते ऐसे गायक कहें या फिर गायिका कहें, वो इकलौते हैं जो कि भाई साहब पूरे टॉप 20 में आते हैं भोजपुरी के, वो इकलौते कलाकार। तो इसी को जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए, हम आपको बताते हैं, ये जो आप स्क्रीन पे हमारे देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको देखते हुए चलिए हमने टॉप 20 का रिजल्ट निकाला है। टॉप 20 में देखते हैं कि अपने भोजपुरी के वो कौन से कलाकार हैं जो वाकई में टॉप 20 में शामिल है। अब देखिए, नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 पे तो मतलब उम्मीद ही मत रखना कि भोजपुरी के कोई कलाकार नंबर 1 पे आपको दिखने को मिलेगा। अगर बात करें नंबर 1 पे, तो देखिए नंबर 1 पे अरिजीत सिंह है, क्योंकि माहौल जिस प्रकार का चल रहा है भाई, दिल तोड़ने वाला और दिल के 100 टुकड़े हो जा रहे हैं इस वक्त, उसके हिसाब से अरिजीत सिंह के गाने आते हैं, वो है नंबर 1 पे। उसके बाद अगर इनको देखते चला जाए तो भाई साहब टॉप 10 में भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार आपको, या फिर गायक ये कहें या फिर गायिका कहें, नजर आने वाला नहीं है। उसके बाद अगर बात करें आगे की, तो आगे देखिए हमारे आते हैं 16वें नंबर पे आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, अगर कहें दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि ये जो कलाकार है ना, ये काफी ज्यादा लोगों के चहेते हैं, और वो है 16वें नंबर पे। क्या बोला तूने? क्या आपको पता है कि वो 16वें नंबर पे कौन से कलाकार हैं? नहीं पता है, तो चलिए देखिए हम आपको बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के वो इकलौते कलाकार हैं जिनका नाम है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 16वें नंबर पे खेसारी लाल यादव जी हैं, पूरे टॉप 20 में 16वें नंबर पे भोजपुरी के कलाकार हैं। और अगर बात करें 100 के लिस्ट में, तो देखते हैं कि भोजपुरी के वो कौन से कलाकार हैं, गायक कहें गायिका कहें, वो कौन से हैं जो कि पूरा मतलब टॉप 100 में शामिल होते हैं। तो देखिए 16वें नंबर पे आते हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव जी। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो भाई साहब 27वें नंबर पे आते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं 27वें नंबर पे, और इनका नाम हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि वो भोजपुरी के कौन से कलाकार हैं। देखिए 27वें नंबर पे आते हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह। पवन भैया का 27वां नंबर है जो टॉप 100 में आता है। 16वें नंबर पे थे खेसारी लाल यादव, और 27वें नंबर पे आते हैं पावर स्टार पवन सिंह। अब देखिए आगे देखते हैं कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के और भी कोई कलाकार हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। 27वें नंबर के बाद अगर बात करें, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक फीमेल गायिका है जो कि 76 नंबर पे टॉप 100 में आती है, उनका नाम है शिल्पी राज। अब देखिए शिल्पी राज 76 नंबर पे आती हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका भी गाने काफी ज्यादा चलते हैं अच्छे खासे। उसके बाद अगर बात करें कि भाई साहब और कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, तो वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, 76 नंबर पे है शिल्पी राज। उसके बाद अगर बात करें, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा कोई भी कलाकार नहीं है जो टॉप 100 में शामिल है। बस कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 ही ऐसे कलाकार हैं जो आपको टॉप 100 में दिख रहे हैं। इसके बाद भोजपुरी का कोई भी कलाकार टॉप 100 में शामिल नहीं है। कहें तो भाई साहब 3 ही ऐसे कलाकार हैं जो कि पूरे टॉप 100 में है। बात तो सही है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज, मतलब भोजपुरी के 3 ही ऐसे कलाकार हैं जो कि टॉप 100 में है। बात तो सही है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बता दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय भोजपुरी।